हेलो गाइस, आप कैसे हो। मैं फिर से फिनिशर वाइटी बोल रहा हूँ और आज की वीडियो में हम अटैक करेंगे बलून से। और सॉरी फॉर मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा थोड़ा सा बिजी था। मैं अपने पर्सनल वर्क में तो मैं इसलिए आपको मैं ट्यूटोरियल नहीं दे पाया COC के। तो आज मैं आपको COC के ट्यूटोरियल भी दे दूँगा। तो सबसे पहले मैं सिंगल प्लेयर, पिछली बार हम लोग सिंगल प्लेयर में अटैक कर रहे थे ना, तो इस बार हम इस पे अटैक करके देखते हैं बलून से। इस पे मैं आपको सिखाऊंगा, प्रैक्टिस तो ज़रूरत नहीं है इसमें ट्यूटोरियल देने की। तो अरीना में अटैक करते हैं उससे पहले। लेट्स स्टार्ट विद बलून अटैक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ। अगर चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला अटैक। देखिए पूरे एक रो में जा रहे हैं बलून, आप देख रहे हैं। यहाँ पे रेड छोड़ना होगा, इधर रेड छोड़ना होगा। बलून पूरे एक ही रो में जा रहे हैं। हमारे दोस्त ऑलमोस्ट आ चुके हैं। ये करना होगा हमें। हमारा बार बैंकिंग नहीं मार रहा है। वाओ वेरी गुड। अब लगता है बारबेरिंग किंग को आयरन फिश करने का टाइम आ चुका है। अब कर देते हैं हम भी, आर्चर को भी कर देते हैं। क्या होता है, हम पूरा फुल स्टार लेके आ चुके हैं। आप देखिए पूरा फुल स्टार आ चुका है हमारा। हम अपना पहला अटैक जीत चुके हैं। अब मैं आपको इसका ट्यूटोरियल दूंगा मैं बलून का। थोड़ा ईजी में जाएंगे, पैकअप प्ले हाउस में लेके देखते हैं। चलो ठीक है, इस अटैक में मैं आपको बलून का ट्यूटोरियल दूंगा। चलो फिर मैं यहाँ से बलून को छोड़ूंगा। पहले बलून को हमेशा से रो के साथ छोड़ना चाहिए क्योंकि वो एक ही रूम में जाए और एक ही जगह से फोड़ते फोड़ते वो आगे तक टावर तक जाए। देखिए मैं यहाँ से एक रो से छोड़ रहा हूँ, पहले यहाँ से छोड़ता हूँ, एक यहाँ से थोड़े बीच से। अब पीछे से मिनियन छोड़ दीजिए क्योंकि उसे कवर अप दे देना उसे। अब रे छोड़ देते यहाँ से। आप देखिए पूरा बेस पूरा फूट चुका है। यहाँ से रेज कर देते हम। पूरे एक रो से जा रहे पूरे आराम से फूट गया। ये तो बहुत इजी बेस था, तो मैं थोड़ा आपको टफ बेस दिखाता हूँ। टफ बेस में आपको समझ में भी आएगा। हाई प्रेशर नहीं, थोड़ा सा अंडरग्राउंड वर्क फायर वर्क INC पेपर मैप में देखते हैं। हाँ ये थोड़ा इजी है। पेपर मैप के लिए हम अभी नहीं कैटे करेंगे क्योंकि हमें हेस्ट स्पेल भी चाहिए। हेस्ट स्पेल सबसे पहले हम स्पेल ले लेते हैं। 5 1 2 पहले हेज स्पेल की ज़रूरत नहीं, छोड़ो हेज स्पेल स्पीड के लिए होता है, स्पीड की भी ज़रूरत नहीं है। रेज स्पेल में हो जाता है वो तो इतना। तो चलो लेट्स स्टार्ट हमारा सेकंड मैच, थर्ड मैच। और ये मैच भी हम जीतेंगे काश। अब देखिए यहाँ पे कितनी एयर डिफेंस है, 1 2 3 4 5 एयर डिफेंस, 6 7 एयर डिफेंस है। तो हम यहाँ से छोड़ेंगे और एक यहाँ से छोड़ेंगे एक कॉर्नर से। एक यहाँ से गया, यहाँ से आर्चर कोइन गई, यहाँ से ये गया। यहाँ से रेज छोड़ दीजिए आप, यहाँ से रेज छोड़ दीजिए आप। पूरा बेस फूट चुका है। ये दोनों को रेज कर देते हैं हम। ऑलमोस्ट पूरा बेस फूट चुका है।
बेस पूरा खत्म हो चुका है, पूरा बेस आप देख रहे हैं। हम अपना चौथा मैच भी जीत चुके हैं, क्या बढ़िया है। चलो अब थोड़ा मैं आज बलून की ट्यूटोरियल देखूंगा, मेरे अटैक को गौर से देखिए। अगर आपको हमारी मतलब ट्यूटोरियल में नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कर दीजिए, बलून को कैसे मतलब कहाँ छोड़ना है वो मैं आपको बता दूंगा कमेंट में। अगर जितना हो सके आप वीडियो में समझिए और गौर से देखिए मेरी वीडियो को, मैं कहाँ छोड़ रहा हूँ बलून को। तो अभी हम पेपर में मैं अटैक किया ना, तो हम ग्रैंड एवेन्यू में अटैक करते हैं। चलो ये थोड़ा इसमें भी वही रो से छोड़ना है, मैं जहाँ से छोड़ा था पहले वाले टैग में, यहाँ से छोड़िए, यहाँ से एक, यहाँ से अटैक कर दिए। वो सेम स्ट्रेटेजी यूज करनी है आपको, सेम स्ट्रेटेजी के साथ आपको अटैक करना है, आपको अटैक करना है यहाँ से अटैक करना होगा, यहाँ से रेस पेल छोड़ना होगा। मैं लगता है इस अटैक में शायद एक स्टार ही आ चुका है, एक स्टार ही आएगा शायद से, नहीं दो स्टार आ चुके हैं हमारे दो स्टार तो आ ही चुके हैं। चलो हमारे दो स्टार आ चुके हैं इस अटैक में, अब ये फायदा नहीं अटैक करके, लीव कर देते हैं। हम फिर से इसी में अटैक करेंगे ग्रैंड एवेन्यू में, फिर से मैं आपको सिखाऊंगा। अब मैं स्ट्रेटेजी बदल रहा हूँ, यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होगा, सेम ही मतलब वो होगा, तो हमें एक यहाँ से छोड़ना होगा, तो बीच से छोड़ना होगा, हम बीच से छोड़ेंगे, एक नई स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि यह सबको कवर दे देगा ना, तो इसलिए मैं ये छोड़ देता हूँ। एक ग्रेज पूरे एक ही फ्लो में जा रही है, आप देखिए एक फ्लो में जा रहे हैं, एक ही फ्लो में बलून जा रहे हैं। अब ये मैं जीत चुके, हम ये मैच जीत चुके हैं, हाँ ये मैच हम जीत चुके हैं, आराम से ये मैच जीत चुके हैं हम। ये मुझे लगा ही था कि स्ट्रेटेजी बदलनी होगी मैच को जीतने के लिए। चलो हम ये मैच जीत चुके हैं, हमारा शायद से फिफ्थ या सिक्स मैच था। एक और अटैक मारते हैं हम पेपर मैप, ये थोड़ा टफ है, इस पर अटैक करते हैं लास्ट वाले में, ये लास्ट वीडियो है मेरी और लास्ट अटैक, सेकंड लास्ट अटैक है, और लास्ट अटैक में मैं कुछ नया ट्रूप्स यूज़ करूँगा और इसी पे अटैक मारूँगा मैं, या फिर इसके पहले वाले अटैक में। मैं सुना हूँ कि इसमें इसके अंदर से एक ड्रैगन निकलता है बड़ा जैसे, भपरे वो इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को भी मतलब मार देते हैं, तो हम टेस्ट करते हैं, पहले तो इसको पहले फोड़ देते हैं हम। पहले इसको मार देते हैं, ओ बढ़िया, नई स्ट्रेटेजी हमारी है, नई स्ट्रेटेजी, और बलून ले लो। ओ ये मैच जीत चुके हम, मैच हम जीत चुके हैं। ये मैच हम जीत चुके हैं, आप देख चुके, पूरा झुंड हो चुका है आर्चर और बारबेरिंग का। चलो ये मैच हम जीत चुके हैं, हम अब चलो एक नया अटैक मारते हैं, इसे कैंसिल कर देते हैं। चलो
अभी हम किस से अटैक मारे हैं? एक लास्ट बोलर, पिछली बार हम बोलर से मारे थे ना लास्ट अटैक, तो इस बार हम वेलक्री से मारेंगे। वेलक्री नहीं, हॉग राइडर से। हॉग राइडर खतरनाक चीज़ होती बहुत, तो इसके लिए हम दो तीन हिल स्पेल, दो रेज स्पेल, तीन रेज स्पेल। तो अभी हम इसको अपनी अपनी आर्मी को हम एडिट कर देते हैं, इसको भी एडिट कर देते हैं, हटा देते हैं सब कुछ चीज़ को, सब चीज़ को हम हटा देते हैं। चलो हो गया, हमारे नई ट्रूप्स ट्रेन होंगे। ये हमारा वीडियो का लास्ट अटैक है। अब अगर आपको हमारी बलून के ट्यूटोरियल अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया वीडियो में तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। चलो हम लास्ट अटैक थोड़ा इजी करते हैं। हॉग राइडर का ट्यूटोरियल भी मैं भी सीखूंगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हॉग राइडर के ट्यूटोरियल भी दूंगा, बहुत डार्क ट्रूप्स, ऑल दी ट्रूप्स के, मैं सीज मशीन सब चीज़ के ट्रूप्स में के ट्यूटोरियल दूंगा मैं, क्लैश का सब चीज़ के। तो हम थोड़े इजी में अटैक मारेंगे, किचन सिंह में इसमें मारते हैं हम। चलो थोड़े कॉमेडी इसको, अब ये देखिए अब इस बेस को हम कैसे फोड़ेंगे, हंस हंस के फोड़ेंगे हम इस बेस को। चलो स्टार्ट करते हैं। बिना रेज स्पेल के हम जीतेंगे इस मैच को, जीत गए हम ये मैच को, हम जीत चुके हैं। बूम बूम खत्म, पूरा बेस पूरा खत्म हो चुका है। चलो ये हमारी आज की लास्ट वीडियो थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मुझे हॉग राइडर का कुछ समझ में नहीं आया, कहाँ से हमको हॉग राइडर छोड़ना है उसका भी मैं बता दूंगा, कमेंट में अच्छे से बता दूंगा डिस्क्रिप्शन से लिख के स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको वीडियो में समझ में आया तो बहुत बढ़िया, अब वीडियो में आपको मैं अच्छे से, और अगर हमारे मेरे ट्यूटोरियल में कोई भी कमी है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आपको और अच्छे से समझाऊँगा। चलो आपको हमारी काश मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइब एंड लाइक।